अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर दूँ। तहरीके इंसाफ से निकाले जाने के बाद पहली मरतबा फारूक बंदियाल भी मैदान में आगे दबंग ऐलान कर दिया। तहरीके इंसाफ में शमूलियत के एक हफ्ता बाद पार्टी से निकाले जाने वाले मारूफ ट्रांसपोर्टर मलक फारूक बंदियाल ने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। दुनिया न्यूज़ के मुताबिक तहरीके इंसाफ में शमूलियत के लिए एक हफ्ता बाद पार्टी से निकाले जाने वाले मारूफ ट्रांसपोर्टर मलक फारूक बंदियाल ने कौमी असम्बली के हलका NA 93 खुशाब से आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो PTI के नज़रियात, पॉलिसियों और पार्टी के चेयरमैन इमरान खान की शख्सियत से मुतासर होकर PTI में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें 80 की दहाई के एक वाक़े को बुनियाद बनाकर मुहिम जुई के नतीजे में पार्टी से अलग कर दिया गया। हालांकि तकरीबन 40 साल कबल का वो वाक़या उनके तालिबे इल्मी के दौर का था, जिसमें गैंग रेप का इल्ज़ाम भी झूठा था। इस वाक़े के बाद मैं अपनी सारी ज़िंदगी खिदमत खल्क में गुजारी है। मेरे हलका के अवाम ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है, उनके मसाइल हल करने के लिए इंतखाब लड़ने का प्रोग्राम बनाया है। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.